हेलो फ्रेंड, दिस इज नवीन फ्रॉम नवीन मेहता फिटनेस नेटवर्क। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ, एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि उनका वन रैप मैक्सिमम कितना है। वन रैप मैक्सिमम का मतलब है कि आप किसी भी लिफ्ट में, चाहे वो बेंच प्रेस हो, चाहे वो स्क्वाट हो, चाहे वो शोल्डर प्रेस हो, बारबेल कर्ल हो, एनीथिंग, एनी लिफ्ट में, किसी भी एक लिफ्ट में आप एक रेपिटेशन के लिए मैक्सिमम कितना वेट, कितना लोड उठा सकते हैं, वो आपका वन रैप मैक्सिमम होता है। अब वो कैलकुलेट करना बहुत लोगों को ज़रूरी है। मैं ये बोलूँगा सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो वन रैप मैक्सिमम कैलकुलेट करने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि हमें किस रैप रेंज में ट्रेनिंग करनी है। उसके परसेंटेजेस होते हैं कि आप उसके 55% पे, 65% पे, 75, 85 या 95% पे ट्रेन करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपको एंड्योरेंस के लिए करना है, कि आपको मसल हाइपरट्रॉफी के लिए करना है, कि आपको स्ट्रेंथ के लिए करना है। उसी हिसाब से आपके रैप रेंज डिसाइड होते हैं। तो उस रीज़न के लिए आपको अपना वन रैप मैक्सिमम निकालना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक सिंपल मेथड दूंगा। अब क्या होता है कि लोग ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम लोड लगाएं और अपना वन रैप मैक्सिमम करें, तब उन्हें पता लगता है कि मेरा वन रैप मैक्सिमम क्या है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप जो भी वेट कर रहे हैं अभी, 10 रैप के लिए, 12 रैप के लिए, 15 रैप के लिए, उससे आप अपना वन रैप मैक्सिमम कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट लिफ्टिंग योर एक्चुअल वन रैप मैक्सिमम। एक्चुअल वन रैप मैक्सिमम लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन से आप अपना वन रैप मैक्सिमम कैलकुलेट कर पाएंगे। वो टेबल आपकी स्क्रीन पे मैं अभी लगाता हूँ, जिस टेबल को आपको याद करना है। नहीं याद कर सकते तो अपने साथ रखिए, उसमें एक बेसिक सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसे करिए, उससे आपका वन रैप मैक्सिमम आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है, ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एक्चुअल में अपना वन रैप मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करेंगे और हर बार कोशिश करेंगे तो इट इज़ डेंजरस। वो 95% 100% आपको जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके लिगामेंट्स के लिए, आपके टेंडन्स के लिए डेंजरस है। यू कैन गेट इंजर्ड। सो विदाउट रिस्किंग इंजरी यू कैन डू दैट बाय डूइंग दिस सिंपल कैलकुलेशन। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक टेबल है, आपके स्क्रीन पे जो टेबल है उसको देखिए आप, जिसमें है वन रैप मैक्सिमम इज इक्वल टू 100%, वन रैप इज इक्वल टू 100% ऑफ योर वन रैप मैक्सिमम, टू रैप्स इज इक्वल टू 95% ऑफ योर वन रैप मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि एक रेपिटेशन अगर आप करते हैं तो आपका 100% वन रैप मैक्सिमम है, अगर आप दो करते हैं तो 95% है आपके वन रैप मैक्सिमम का, अगर आप तीन करते हैं तो 93 है, इसी तरह से फोर करते हैं तो 90 है, फाइव करते हैं तो 87 है, 685 एंड सो एन एंड सो फोर्थ। आप सब देख सकते हैं 20 रैप्स करते हैं तो 55% है आपके वन रैप मैक्सिमम का। अब आपको कैसे करना है ये चीज़, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम बात करें स्क्वाट की, अब आप अगर ट्रेनर हैं या आप इस चीज़ को अपने आप पे खुद पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से यू हैव अ क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आप उनका वन रैप मैक्सिमम स्क्वाट में जानना चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं, आपके क्लाइंट बोलते हैं कि मैं 100 किलो से 10 रैप कर लेता हूँ, उन्होंने बोला 100 किलो से 10 रैप कर लेता हूँ, तो उसका मतलब इस टेबल में अगर आप चेक करेंगे तो 10 रैप इज इक्वल टू 75% ऑफ योर वन रैप मैक्सिमम। 10 रैप आपके वन रैप मैक्सिमम का 75% है। फिर अपने क्लाइंट को बोलेंगे आप परफॉर्म करके दिखाइए। जब आपके क्लाइंट 100 केजी से स्क्वाट करेंगे, उन्होंने बोला है कि वो 10 कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ 8 किए। अब उन्होंने 10 नहीं किए, 8 किए। अब उस 8 को आप इस टेबल में चेक करिए, 8 कोरोस्पॉन्ड टू 80% ऑफ योर वन रैप मैक्सिमम। अपने टेबल में देख सकते हैं आप, जो 8 है वो 80% है आपके वन रैप मैक्सिमम का। अब आपको उसका वन रैप मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर है 100 केजीज। अब आप जाइए कैलकुलेटर में, जाइए कैलकुलेट कीजिए, 100 किलो लिखिए, 100 केजीज डिवाइडेड बाय, क्योंकि 8 रैप्स इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्ड टू 80% डिवाइडेड बाय 80%। 80% डिवाइड करिए, 80% डिवाइड करने का मतलब है 80 से नहीं, 0.80 से। 80% का मतलब है 80/100, विच इज 0.80। डिवाइड कीजिए उसको 0.8 से, 125 आया। इसका मतलब आपके क्लाइंट का वन रैप मैक्सिमम 125 किलो है, समझिए आप।
एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आप हम बात करते हैं बेंच प्रेस का, आपने आपको लगता है कि मैं बेंच प्रेस 12 रेपिटेशन कर लेता हूँ बेंच प्रेस में 100 किलो से, मैं रेफरेंस के लिए 100 किलो यूज़ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब आप 12 रेपिटेशन कर लेते हैं, लेकिन आपने अगर ट्राई किया तो आपने 9 रेपिटेशन किए, 12 नहीं किए, 9 किए। अब आप उस 9 को स्टेबल में चेक किए कीजिए कि 9 रैप्स कॉरस्पॉन्ड टू 77% ऑफ योर 1 रैप मैक्सिमम, 9 रैप 77% ऑफ 1 रैप मैक्सिमम। अब मैंने कैलकुलेशन कैसे बताई है, आपका वेट जो है जो आपने उठाया है वो 100 किलो है और आपने जो करे हैं वो 9 रैप किए, विच इज 77%। टेबल चेक कर लीजिए, 77% ऑफ योर 1 रैप मैक्सिमम। अब आपको 100 किलो को जो आपने वेट रहा है उसको डिवाइड करेंगे 0.77 से और वह आपका आएगा 1929.8 विच इज 130 केजीज। इसका मतलब ये है कि आपका बेंच प्रेस 130 किलो है। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से आप किसी भी चीज़ में इसको अप्लाई करके देखिए, चाहे वो स्क्वाट है, चाहे वो डेडलिफ्ट है, चाहे वो शोल्डर प्रेस, बारबेल प्रेस, एनीथिंग, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर 1 रैप मैक्सिमम विदाउट एक्चुअली लिफ्टिंग द वेट। बिना वेट उठाए आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आगे आने वाली वीडियोज में ये बताऊँगा कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ योर 1 रैप मैक्सिमम में ट्रेनिंग करनी है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी वेट उठा के कुछ भी ट्रेनिंग कर लग जाए, 5 किलो के डंबल से आप 500 रैप कर दे तो आपके मसल ग्रो हो जाएंगे, या आप 100 किलो से आप 1 रैप कर रहे तो आपके मसल ग्रो हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, डिफरेंट परसेंटेजेस आर फॉर डिफरेंट एथलीट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर गोल्स। व्हाट इज योर गोल? इफ योर गोल इज टू बिल्ड मसल और हैव मसल एंड्योरेंस और हैव मसल स्ट्रेंथ, यू हैव टू गो इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ योर 1 रैप मैक्सिमम। इसीलिए 1 रैप मैक्सिमम कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, यही मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और एक चीज़ और है, ये जो है ये 1 रैप मैक्सिमम ये जनरल है। जनरल का मेरा मतलब है जैसे हमने 1 रैप मैक्सिमम निकाला 130 किलो, वो 132 भी हो सकता है, वो 128 भी हो सकता है, समझ रहे, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। ये रीज़न ये है क्योंकि हम सबके मसल फाइबर्स अलग अलग हैं, एक जनरल कैलकुलेशन है। वो डिफर इसलिए होता है क्योंकि वी ऑल हैव डिफरेंट मसल फाइबर इन आर बॉडी, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर अलग होते हैं, वाइट मसल फाइबर अलग होते हैं। मसल फाइबर्स के बारे में मैं एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी मसल फाइबर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। बेसिक बताया था, रेड मसल फाइबर एंड्योरेंस मसल फाइबर होता है। जिन लोगों के अंदर रेड मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं वो लोग ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जिन लोगों के अंदर वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं। तो इस हिसाब से ये डिफर करता है 1 रैप मैक्सिमम। अदरवाइज दिस वॉज द जनरल कैलकुलेशन टू कैलकुलेट 1 रैप मैक्सिमम। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नवीन मेहता फिटनेस नेटवर्क, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।